केरला स्टोरी को लेकर देश भर में सियासी बवाल मचा था। इस फिल्म को जहां विपक्षी दलों ने प्रोपोगंडा फिल्म कहा, तो वहीं बीजेपी के कई नेता फिल्म को अपना समर्थन देते नजर आए थे। इन्हीं में से एक थी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस लड़की को प्रज्ञा ठाकुर ने ये फिल्म दिखाई थी, वो एक मुस्लिम युवक के साथ घर छोड़कर भाग गई है। जिस युवक के साथ लड़की भागी है, उसका नाम यूसुफ है। जानकारी के मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने युवती को युवक से दूर रहने की सलाह दी थी, साथ ही उसे अपने साथ ले जाकर द केरला स्टोरी फिल्म भी दिखाई थी। युवती नर्सिंग की पढ़ाई करती है, घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी, 30 मई को उसकी शादी होनी थी। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि यूसुफ के झांसों में आकर वो उसे भगा ले गया। भागते वक्त युवती अपने साथ घर से सारा कैश और गहने भी ले गई है। मेरी लड़की रिया सराटे, जो कि एक लव जिहाद का शिकार हुई है, मुस्लिम लड़का यूसुफ खान मेरी लड़की को 11 मई दिन में भगाकर ले गया, जिसकी मैंने FIR कराई, तो मेरी लड़की का माइंड वॉश कर दिया गया है, जिसके कारण वे थाने में बुरका पहनकर आ गई। उस यूसुफ खान ने मेरी लड़की का धर्म परिवर्तन कर दिया। मेरी लड़की उसके बाद मेरे साथ सुप्रत कर दिया गया। उसके बाद मेरी लड़की पर दबाव बनाया गया। दबाव के बाद मेरी लड़की को 15 मई को यूसुफ खान अपने साथ है ना, उसने ऐसा दबाव बनाया कि मेरी लड़की से घर से 70,000 रुपये कैश और सोने चांदी की रकम चोरी करवाई और यूसुफ खान मेरी लड़की को लेकर भाग गया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मैंने थाने में FIR दर्ज कराई तो मुझे कहा गया कि तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी लड़की बालिक है। फिर थाने में हंगामा किया गया तो मुझे कहा गया कि 12 घंटे में आपकी लड़की आपको मिल जाएगी। और मैंने अभी तक 6 बार CM हेल्पलाइन में मदद मांगी, लेकिन मेरी लड़की की कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे मेरी लड़की वापस चाहिए। मेरी लड़की हिंदू थी और हिंदू ही रहेगी। माइंड वॉश कर लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। युवती के घर से भागने की शिकायत परिजनों ने स्थानीय थाने में कराई है। परिजनों का आरोप है कि यूसुफ आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसलिए वो युवती को उसके पास जाने से मना कर रहे थे। हालांकि लड़की की जब तलाश पुलिस ने की तो उसने कहा कि वो उसके साथ ही रहेगी। पुलिस के सामने उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से यूसुफ के साथ रह रही है। वहीं इस मामले में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, वो भी सुनिए। हिंदू कभी भी किसी के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं करता, इसलिए जो विधर्मी ऐसा करते हैं, हमारी हिंदू बेटियों को आज से नहीं, काफी समय से निरंतर इनका प्रयास चलता रहा, आज भी चल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से विकृत रूप और ज्यादा ले रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें हमारी बेटियों को मिशन के तहत, षड्यंत्र के तहत और इनके लव जिहाद के तहत उसको लिया जा रहा है। बेटियों को बरगलाया जाता है, फुसलाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है, उनको मार दिया जाता है। अभी जो साक्षी दिल्ली की जो घटना है, उसमें कितनी निर्मम हत्या उसकी की है, कितने चाकुओं से वार किए और उसके बाद पत्थर से कई बार उसको पत्थर पटक पटक करके खत्म किया गया, मरने के बाद भी उसको मारा गया। इससे हमारी बेटियों को सचेत होना चाहिए। हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो अबोध हैं, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जीवन सुरक्षित नहीं है और ये जीवन सुरक्षित करने के लिए मैं दृढ़ता से आगे आऊंगी, आती हूँ, आती रहूंगी। लेकिन भोपाल वाली घटना में अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज है, कार्यवाही करने के लिए हम प्रयास करेंगे और जो भी लड़कियां हैं उनको हम बचाने का प्रयास करेंगे। स्वधर्मी बनी रहें, अपने में बनी रहें, लव जिहाद के चक्कर में ना फंसें और अपने माता पिता का सम्मान करते हुए जरा माता पिता पर विश्वास रखें और ऐसी दुर्घटनाओं में ना फंसें। ये मेरा प्रयास है और ये मेरा आज देश को संदेश है। बहरहाल, जहां एक ओर लड़की उस युवक के साथ रहने की बात कह चुकी है, तो वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक ने उनकी बेटी के नाम पर बैंक से लोन ले रखा है, उसे भी वही चुका रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यूसुफ के खिलाफ अपराध के लगभग 5 से 6 केस दर्ज हैं। वहीं युवती के इस कदम से परिजन सदमे में हैं।